क्या हेयरफॉल रोकने के लिए सारे नुस्खे हो गए हैं फेल और हेयरफॉल बन गया है रोज का खेल? क्या उल्टे सीधे नुस्खों से मिल रही है आपके बालों को सजा क्योंकि नहीं जानते आप अपनी हेयरफॉल की वजह? क्या हेयर रीग्रोथ है आपके लिए एक राज क्योंकि अभी तक आप भी अपने बालों पे लगा रहे थे प्याज? तो फिक्र मत करो ब्रो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। आई हैव बीन थ्रू द सेम इन माई लाइफ और आज मैं तुम्हारे साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि मेरी हेयर फॉल की जर्नी कैसी रही और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करी, जो कॉन्फिडेंस गिरता हुआ देखा, सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटीज हो गई, एंड फाइनली उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया एंड कैसे आप भी कर सकते हो अगर आप सही स्टेप्स फॉलो कर लो जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो मैंने पर्सनली किए। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज का वीडियो थोड़ा सा कैंडिड होने वाला है। मैं आपसे एकदम रियल होके बात करने वाला हूं क्योंकि मैं शेयर करूंगा अपनी पर्सनल हेयर फॉल जर्नी, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो मैंने किया इस चीज को ठीक करने के लिए। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसको ना डीपली समझना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली वीडियो मैंने कहीं ना कहीं गिव अवे भी छुपाया हुआ है, तो इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। एंड टू बी अ वेस्टर्न लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो यार, जैसा मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, हेयर फॉल ना काफी अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है। एंड जब आप नेट पे थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको उसके रीजंस मिलेंगे। उनमें इंक्लूडेड होगा इररेगुलर स्लीप, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हाई स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ये सब काफी बड़े रीजंस हैं हेयर फॉल के। इसके अलावा भी और रीजंस होंगे बट मैं इन रीजंस की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी लाइफ में यही फैक्टर्स ने मेन रोल प्ले किया है। मतलब मेरे को जेनेटिक प्रॉब्लम भी है हेयर फॉल की, मतलब मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, लेकिन ये फैक्टर्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और अगर आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था इसी चीज के बारे में कि जब मैं कॉलेज में था और उसके बाद भी एक दो साल तक मेरी डाइट उतनी अच्छी नहीं थी, मेरी स्लीप साइकिल भी बहुत इररेगुलर रहती थी, एंड मैंने आपके सामने ये भी रिवील किया था कि मैं डिप्रेशन में भी था एक टाइम पे। एंड जब ये सारी चीजें एक साथ आपकी लाइफ में होती है ना, तब आपके बाल भी बाय बाय हो जाते हैं। अब ना स्टार्टिंग में जब मेरे थोड़े बहुत बाल गिरते थे तब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है यार, हो रहा होगा वेदर की वजह से, इतना तो नॉर्मल होगा। बट इवेंचुअली, और ये वो लोग समझेंगे जिनको हेयर फॉल होता है, जब बालों की डेंसिटी कम होने लगती है ना तो आपका ना कॉन्फिडेंस कम होने लगता है पब्लिक में, और ये स्पेशली मेरे साथ तो हुआ ही है। मतलब यार, पहले ना मैं कोई भी हेयर स्टाइल बना लेता था, मतलब जैसे स्पेशली कॉलेज में मैं रोज हेयर स्टाइलिंग करके जाता था। रोज सुबह उठ के शैम्पू करता था, फिर हेयर जेल और हेयर स्प्रे लगा के स्टाइल करके जाता था। लेकिन फिर पिछले साल जब मेरे बाल काफी कम हो गए और मेरे को रिसीडिंग हेयरलाइन भी हो गई थी, तब मैंने बाल आगे रखने शुरू कर दिया। आपने देखा वो स्टाइल, मतलब मैं ऑब्वियसली मैंने आपको वो स्टाइल रखने पे आपको बताया कि मेरी हेयरलाइन पीछे गई है, इसलिए मैं वो वाला हेयर स्टाइल रख रहा हूँ, और वो सबको अच्छा लगा। और लिटरली हम लोगों ने क्रू कट को एक ट्रेंड बना दिया, मतलब हर जगह मिलियंस ऑफ व्यूज, मतलब हर जगह जहाँ क्रू कट का नाम आ रहा है वहां पे हमारा नाम आ रहा है। लेकिन ना उस टाइम मुझे इसका रीजन पता क्या लगा था कि जो मैं हेयर जेल लगा रहा हूँ शायद उसमें दिक्कत है, जो मैं हेयर स्प्रे लगा रहा हूँ उसमें दिक्कत है, कि ये प्रोडक्ट सही वाला नहीं है तो किसी और ब्रांड का ले लो। तो मुझे तो लगा था कि सही तरीका यही है कि कोई आयुर्वेदिक ले लो, या मतलब कोई भी रैंडम जो जिसके एडवर्टाइजमेंट में देख लेता कि इससे बाल नहीं झड़ते, मुझे लगा बस वही लेना है, उससे सब ठीक हो जाएगा। बट ऑब्वियसली वो सब करने से कोई हेयर फॉल कम नहीं हुआ क्योंकि वो रीजन ही नहीं था मेरे हेयर फॉल का। अब इसके अलावा ना मेरी डाइट भी उतनी कोई हेल्दी तो नहीं थी स्पेशली कॉलेज में, लेकिन साथ में मैं इतना ज्यादा कैफीन लेता था, मैं बहुत कॉफी पीता था ब्रो। सुबह उठ के 3 पाउच के बराबर की कॉफी पीता था मैं, फिर दोपहर को वापस 2 पाउच, फिर शाम को वापस 2 पाउच, रात को भी कभी कभी फालतू की कॉफी पी लेता था। इतनी कॉफी तो मेरे को नींद ही नहीं आती थी, मेरा पूरा स्लीप पैटर्न खराब हो चुका था। अब आप लोग को लग रहा होगा भाई लैक ऑफ स्लीप से हेयर फॉल का क्या रिलेशन है, तो उनके लिए थोड़ी सी साइंस बता देता हूँ। तो बेसिकली ना, जब आप सो रहे होते हो, मतलब ड्यूरिंग स्लीप, हमारी बॉडी में वो वाले ग्रोथ हॉर्मोन्स बनते हैं जो कि आपके बालों की हेल्थ को सही रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड बालों में प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए भी बहुत जरूरी है अच्छी स्लीप। अब ये सारा ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो मैं थोड़ी सी इमोशनल भी और साथ में इन्फॉर्मेटिव रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट स्टाइल में बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो मैं आपको अच्छे से सही नॉलेज दे सकता हूँ। तो यार बेसिकली, जब आप अच्छे से नहीं सोए होते और आपके अंदर लैक ऑफ स्लीप होती है, तब आपकी बॉडी में ना स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनते हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को उनकी प्रीमेच्योर रेस्टिंग फेज से उनकी प्रीमेच्योर शेडिंग फेज पे ले जाते हैं। ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती ये भी करी थी कि कॉलेज में रोज प्रेजेंटेबल दिखने के लिए मैं रोज सुबह हेयर वॉश कर रहा था, और वो भी शैम्पू एंड वार्म वाटर से, मतलब गर्म ही मान लो आप उसको, एंड रोज वही हेयर जेल, हेयर स्प्रे सब लगा रहा था, ब्लो ड्राई भी कर रहा था स्कैल्प तक। तो टाइम के साथ हेयर फॉल बढ़ता गया। एंड यार, अगर आपका भी जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, तो ये लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस, ये सब जो इंटरनल फैक्टर्स है, ये तो आपको अफेक्ट करते ही है, और साथ में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। एंड इसीलिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना मार्केट में जो कहते हैं कि हम हेयर फॉल एकदम सॉल्व कर देंगे, एक रीजन है कि वो काम नहीं करते सारे, इवन दो वो क्लेम करते हैं कि आपके बाल एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब यार, जब आपके बाल कम होने लगते हैं ना, तो सबसे पहला चीज जो आप करते हो ना, वो अलग अलग तरीके से स्टाइल करते हो जिससे कि आपके स्कैल्प छुप जाए, थिनिंग हेयर छुप जाए, मतलब छुपाने के लिए आप सारे स्टाइल्स ट्राई करते हो।
तो मैंने भी वही किया यार, ऐसे हेयर स्टाइल्स जो मेरी बालों की कम डेंसिटी को छुपा दे। और मैंने उस पर वीडियोस भी बनाए, इतने सारे आपने देखे हैं वो सारे वीडियोस, बट वो कितने दिन तक चलेगा? और लोग नोटिस करना स्टार्ट कर ही देते हैं यार। मतलब मैं जैसे ऑफिस में भी ऐसे काम कर रहा हूँ, बालों में थोड़ा सा हाथ फेर लिया, तो उसी टाइम 3-4 बाल वो वाइट टेबल के ऊपर गिरते थे ना। और वर्स तब होता था जब ऐसे टेबल पे गिरे हुए बाल और साइड से, मतलब मैंने नोटिस नहीं किया और साइड से कोई और आया, उसने देखा और वो एकदम से पॉइंट आउट करे कि भाई बाल गिरे हुए हैं। तो यार इन चीजों से ना कॉन्फिडेंस पे हिट आता ही है। इवन दो मैं कहूंगा कि मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा जितना जनरली लोगों को पड़ता है, क्योंकि मेरे हिसाब से बाल सब कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही है। एंड मैं एकदम ऐसा हो गया था कि यार अब तो कुछ भी करके बाल बचाने ही पड़ेंगे। और देखो हैं तो हम मिडिल क्लास इंडियन ही, तो ऐसे आसपास मम्मी पापा और एक दो दोस्तों ने भी रैंडम मेरे को नुस्खे हैक्स वगैरह सब देने शुरू कर दिए। और पता है उनमें से भी जो सबसे ज्यादा मेरे को सुनने को मिला हैक वो था कि भाई प्याज लगा ले, प्याज भी नहीं वो प्याज का रस, मतलब या ऐसे अनियन बेस्ड प्रोडक्ट्स। और जो भी लोग हेयर फॉल फेस कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने आसपास वालों से एक ना एक बार तो ये प्याज वाली चीज सुनी ही होगी। और इसका एग्जैक्ट रिजल्ट हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ पे क्या होता है, इस पे भी कोई रिसर्च नहीं हुई है। प्लस ये अनियन वाले प्रोडक्ट्स में ना स्टेरॉइडियल सैपनियंस होते हैं, जो कि आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन यानी कि वो सूजना होता है ना, उसको कम करते हैं। और ऐसे ना बहुत लोग मिलेंगे, स्पेशली आपको यूट्यूबर मिलेंगे जो कहेंगे कि अनियन वाले प्रोडक्ट्स यूज कर लो 100% रिजल्ट मिलेगा। भाई वो खुद नहीं यूज करते होंगे, ये सब उनका दोगलापन है। तो यार देखो बेसिकली पॉइंट ये है कि मैंने सब ट्राई करके देख लिया, बट मैं कहां लैक कर रहा था यार, और आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है हेयर फॉल रोकना, और फिर मैंने अल्टीमेटली कैसे किया, हेयर रीग्रोथ कैसे किया। तो प्रॉब्लम यही थी कि मैंने अपने बालों पे बिना किसी रिसर्च के या उसका रूट कॉज जाने बिना ही मैंने उसका ट्रीटमेंट अपने हिसाब से ही शुरू कर दिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यार अलग अलग रीजंस होते हैं हेयर फॉल के, और वैसे ही ना अलग अलग स्टेजेस भी होती हैं आपकी हेयर फॉल की, कि आप कौन सी स्टेज पे हो बाल झड़ने के या बाल गिरने के, और उसी हिसाब से आपके लिए सोल्यूशन भी होता है। और यार इसीलिए डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप के लोगों पे काम करती है। बट यार और आगे बढ़ने से पहले भी ना मैं आपके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ कि आपको जो मैंने जिन पॉइंट्स मैंने बात करी उसमें से क्या क्या, क्या आप एंग्जाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस इन सब से गो थ्रू करते हो, क्या आप भी हेयर फॉल देख रहे हो, तो मैं मतलब आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ जिससे कि मैं बाद में कंटेंट भी बेटर बना पाऊंगा। तो नीचे कमेंट्स में डालो, और यही आपका गिव अवे क्वेश्चन है। एनीवे यार, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को अपनी हेयर फॉल की जर्नी में और उसको ठीक करने की जर्नी में समझ आई वो ये था कि कोई एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो एकदम ठीक कर देगा आपकी हेयर फॉल को। मतलब मेरे लिए भी मेरे को मेरे रूट कॉज ऑफ हेयर फॉल तक पहुंचना पड़ा एंड उसको सॉल्व करना पड़ा, तब जाके मेरा हेयर फॉल रुका, क्योंकि हेयर फॉल तो उन फैक्टर्स का बाय प्रोडक्ट है ना, समझे? तो जैसे ही आप इस चीज को फिक्स कर दोगे तो आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, बट आपको साथ में एक इफेक्टिव हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी यूज करनी पड़ेगी। अब यार लेकिन मुझे भी ना ये जरूर लगता था कि यार मेरा हेयर फॉल तो जेनेटिक है, मतलब मेरे नाना के बाल नहीं थे, मेरी फैमिली में बहुत मेल्स गंजे। तो इसी तरीके से आप में से भी बहुत लोग बोलोगे कि भाई जेनेटिक है मेरा तो हेयर फॉल रुक ही नहीं सकता। तो ये ना एक मिसकंसेप्शन है उन लोगों में जिनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस है मेरी तरह। तो यार देखो जेनेटिक हेयर फॉल भी जो होता है ना उसकी 7 स्टेजेस होती है, एंड इसमें से अगर आपको स्टेज 1-4 के बीच में कोई है तो आपका हेयर फॉल मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर उसके आगे के स्टेजेस है तो हेयर ट्रांसप्लांट ही आपका इकलौता ऑप्शन है। अब कुछ लोग स्पेशली यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं नहीं प्याज लगा लो इन स्टेजेस में भी ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, जो सच है वो सच है, मैं सिर्फ साइंस का ही साथ दे सकता हूँ मैं। एंड यार मेरा जो हेयर फॉल था वो जा रहा था फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 बहुत ग्रेजुअली, और ये चीज मेरे को रियलाइज करवाई ट्राया के क्लिनिकल डायग्नोसिस ने, और उन्होंने मेरे को ये भी समझाया कि एग्जैक्ट साइंस क्या है मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यार देखो मेल पैटर्न बॉल्डनेस में ना सबसे बड़ा जो हमारा मेन विलन है ना वो है डीएचटी, मतलब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक मेल स्टेरॉइड हार्मोन है और इसका इफेक्ट ना आपको अपने mid-20s टाइप पे फील होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे आपके हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ कम हो जाती है क्योंकि डीएचटी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को वहां पे एब्जॉर्ब होने से रोकता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मुझे और मेरे जैसे और बहुत लोगों को रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। तो यही रीजन है ना इस चीज के कि मतलब आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते, कि भाई एक तो यही हो गया कि भाई गलत डायग्नोसिस है, या फिर डायग्नोसिस है ही नहीं उस मेजर रीजन का जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रही है, या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो किसी भी टाइप के उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिसिंग होना जो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो रीजन है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। यार क्योंकि किसी भी मतलब कुछ भी यूज कर लो, कैसा भी ट्रीटमेंट यूज कर लो, आपको कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही उसका रिजल्ट देखने के लिए। वैसे एक और रीजन ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपके बालों के लिए सूटेबल नहीं है, तो हो सकता है उससे हेयर लॉस बढ़ रहा हो आपका। तो मैं भी ना यही टाइप की गलतियां कर रहा था, मेनली ये कि मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं था, तो तभी मेरे स्टेज 1 से स्टेज 2 वाला हेयर लॉस जा रहा था, क्योंकि मैं कुछ थोड़े टाइम के लिए ट्राई किया फिर छोड़ दिया, फिर थोड़े टाइम के लिए कुछ और ट्राई किया फिर छोड़ दिया, बिना सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूं ये ट्राई। एंड इसलिए ना एक दिन मैंने ये वाला जो मैं आपको बताया था ट्राया वाला ऑनलाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया था, ये ना डर्मेटोलॉजिस्ट और आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स एंड हेयर स्पेशलिस्ट ने बनाया हुआ है, जो कि ना ही सिर्फ आपको
आपकी स्टेज बताएंगे हेयर लॉस की, लेकिन आपको उसकी जो रूट कॉज है वो भी रिकॉग्नाइज करवाएंगे। तो यार जब मुझे मेरे हेयर लॉस के रूट कॉजेस पता लगे ना, तो मुझे ट्राया से पता लगा कि मुझे अगर अपना हेयर फॉल कंट्रोल करना है तो मुझे डर्मेटोलॉजी, आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन तीनों बैलेंस करने पड़ेंगे। और इससे पहले ना मैं यही कर रहा था कि मैं इनमें से कोई एक चीज पकड़ के खेलता था। कभी जब आयुर्वेदा के बारे में ज्यादा पढ़ लिया तो आयुर्वेदिक वाली चीजें करनी शुरू कर दी, कभी डर्मेटोलॉजी के बारे में ज्यादा किसी से सुन लिया तो वो वाली करनी शुरू कर दी, कभी बस ये देख लिया कि भाई डाइट में एलिमेंट्स, बायोटिन वगैरह है या नहीं है, बस कोई एक चीज कर रहा होता था। लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ कि ब्रो बॉडी के लिए ये तीनों चीजों का बैलेंस जरूरी है, और सिर्फ बालों में ही नहीं यार, इन जनरल हर चीज में। और स्पेशली क्योंकि मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो एक पॉइंट पे तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिंस ही है जो इसको रोक सकती है, मतलब प्रॉपर मेडिसिंस। स्टैंड अलोन मेडिकल अप्रोच आपका हेयर फॉल अकेले सॉल्व नहीं कर सकती, आपको तीनों चाहिए यार। एंड इससे पहले कि आप बोलो कि भाई चल झूठा, मैं आपको बताता हूं क्यों और कैसे। तो यार देखो, डर्मेटोलॉजी आपके बालों को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है जिसकी उन्हें जरूरत है टू हैव अ नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल। देन आयुर्वेदा तो फेमस अपने एंशिएंट विजडम की वजह से, जो आपके अंदर के इम्बैलेंसेस को ठीक करती है जिनकी वजह से हेयर फॉल हो रहा था। एंड फिर आता है न्यूट्रिशन, मतलब कि जो आप खाते पीते हो और उसकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। एंड ट्रायल में मेरे को यही दिखा कि ये तीनों चीजों पे फोकस हो रहा था, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई मैं अपना हेयर फॉल अच्छे से ट्रीट कर भी पाया। एंड ट्रायल का सोल्यूशन फॉलो करने से पहले मैं ऑलरेडी ऐसा मिनोक्सिडिल ले रहा था और मेरी न्यूट्रिशन भी ठीक थी, बट ट्रायल हेल्प मी फोकस ऑन दोस थ्री थिंग्स जो कि हम लोग मिस आउट कर देते हैं हेयर फॉल ट्रीट करते हुए। हेयर फॉल का करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट मेजर्स जो कि कस्टमाइज्ड हो मेरे लिए, जो कि ट्रायल ने ढंग से कर दिया क्योंकि इनके पास इन तीनों चीजों की एक्सपर्टीज है। एंड सब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के केस में ना इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, एंड ट्राया ये मेक श्योर करता है कि आपको वो प्रिस्क्राइब करे सही सोल्यूशन आपकी लाइफ के हिसाब से। और ऐसा नहीं कि मतलब मार्केट में ये चीज ट्रेंडिंग चल रही है हेयर फॉल के लिए तो बस वो बता दिया। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल गाइडेंस, जिसकी मुझे और आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को जरूरत होगी। क्योंकि ना यार कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे होते हैं और फिर एकदम से हमें उसके रिजल्ट्स दिखने बंद हो जाते हैं। अब ट्रीटमेंट तो चलो हो जाएगी, उसके साथ एक गाइडेंस भी चाहिए होती है यार, क्योंकि हमें लॉन्ग रन में अपने बालों को बचा के रखना है। एंड ट्राया में जो मेरा हेयर कोच था उसने यही किया, वो मेरे हेयर की जर्नी का ट्रैक रख रहा था, मतलब बेसिकली वो ट्रीटमेंट मेरे पे कैसे काम कर रही है वो ये चीज मॉनिटर कर रहे थे। अब बेस्ट चीज ये है कि वो अवेलेबल थे कॉल पे, व्हाट्सएप पे। एंड इवेंचुअली जब ये सब साथ में हुई चीजें, मतलब एक करेक्ट और कंसिस्टेंट सोल्यूशन मैंने फॉलो किया, तब जाके मेरे बालों में मेरे को रिजल्ट दिखने शुरू हुए। ट्रायर ने 1.5 लाख से भी ज्यादा इंडियंस को 5 महीने में रिजल्ट्स दिखाए हैं विद 93% सक्सेस रेट। तो इतनी लंबी जर्नी को अगर मैं समराइज करूं तो कभी भी किसी की एडवाइस मत लो, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं पता होता, मतलब उनको रूट कॉज ही नहीं पता ना यार आपके हेयर फॉल की। तो सबसे पहले आप जाके अपनी रूट कॉज फाइंड आउट करो, और ये बहुत आसान है, जैसे मैंने भी ट्रायर की वेबसाइट पे किया ही था। दूसरा, अपने डायग्नोसिस के हिसाब से अपने आपको सही ट्रीटमेंट दो, क्योंकि प्याज सर पे लगाना ट्रीटमेंट नहीं है, मिथ है। और तीसरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं मतलब मेरी गलती से सीख लो ये चीज कि जब भी कोई भी ट्रीटमेंट आप शुरू करते हो जो किसी एक्सपर्ट ने आपको बताई है, प्लीज कंसिस्टेंट रहो उसको 5 से 7 महीने दो रिजल्ट्स देखने के लिए। तो आई होप यार आपको सीखने को मिला होगा कुछ, की जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियां कर दी जिसके वजह से मेरे को हेयर फॉल हुआ वो आप ना करो। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बताना चाहता था जिससे कोई चमत्कार हो जाएगा और आपकी हेयर फॉल सॉल्व हो जाएगी, इससे मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया कि आप अपने हिसाब से सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो अगर आपको वो सोल्यूशन ढूंढना है तो ट्राया को ट्राई करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे जाओ, और आप यूज कर सकते हो मेरा कोड SAN20 जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ आपकी परचेज पे। And I really hope आपको results देखने को मिले। अब आ जाते हैं इस वीडियो के giveaway पे। इस वीडियो पे भी 10,000 likes complete होते ही मैं giveaway करूंगा एक 2,000 rupees का online shopping voucher मेरे किसी एक lucky subscriber को। सारी details screen पे हैं। Look your best, feel your best and be your best।